अरे इसमें ऑड लगने की क्या बात है, जब भी करण दिल्ली आता है तो हमारे घर ही ठहरता है ना, एकदम घर का मेंबर समझा, इतना एहसान किया। एक किडनी तो मांग रहे हैं उससे, दो होती है ना सबकी। एहसान मतलब डिस्काउंट लो, वो भी फ्लैट 30% होटल बुकिंग्स पर, सिर्फ yatra.com पे। तो यारो इसीलिए बोलते हैं, नहीं बनो किसी के घर बार बार अतिथि, वरना बहुत जल्द निकल आएगी तुम्हारे जाने की तिथि। सो हे गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं उन फनी एंड क्रिएटिव एड्स को जिनके IQ में कोई क्यू से क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। पर भाई इन एड्स को देखकर हमें क्या सीखने को मिलेगा? मिलेगा ना छोटे, जरूर मिलेगा, और वो भी एक परफेक्ट वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को मेरे साथ पूरे एंड तक देखना होगा। तो चलो यारो ऐसे एड्स को देखना स्टार्ट करते हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकलेगा। नंबर वन, देखो यारो आपने ये तो सुना ही होगा कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैंक वालों ने तो इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। हाँ तो जमूर, ये दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर कौन है? उस्ताद हूँ। क्या बात है, जमूरा मुँह खोला है, सही बोला है। अब अगला करतब दिखाएगा, आदमी को कबूतर और कबूतर को आदमी बनाएगा, तो कौन आएगा? जमूरा बताएगा कि आएगा? नहीं 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 आएगा ये। वैसे भाई इतना फोर्स कौन करता है? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बता बता ताली, आजा आदमी सामने, आप फेस टू फेस तो देखो, बच्चा बुरा जवान आदमी और सब लोग देखो, ये आदमी को कैसे ये जादूगर कबूतर बनाएगा। इसी कबूतर को आदमी बनाएगा। दे दे दाना, दे दाना। कबूतर जा 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 जाकर इंश्योरेंस करा। और गाइस इस एड को देखकर बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का तो ये भी कहना है कि पक्का ये ब्लू शर्ट वाला बच्चा एग्जाम्स में फेल हो गया होगा और फिर जादूगर झमूरे के साथ मिलकर इसने इस प्लान को अंजाम दिया। नंबर टू, यारो ऐसे तो नोकिया अपने बुलेट प्रूफ ईटो युक्त डायमंड से भी मजबूत फोन्स के लिए जाना जाता है, पर मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि नोकिया इतनी फनी एंड क्रिएटिव एड्स भी बना सकता है। हेलो, क्यों है भटूरे, मेरी टेबल पे बैठेगा तू? मेरी टेबल पे बैठेगा तू? तुझे पता मैं कौन हूँ? पता है? इधर देख, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त तू चीज बड़ी है। कौन भाई? बाहर निकल, मुझसे पंगा, अब भी क्या, अब भी बाहर निकल, चल। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, सबको देख लूंगा। नोकिया आशा 305 स्मार्टफोन, अब गाना डाउनलोड करें एक मिनट में, साथ में एयरटेल इंटरनेट ऑफर भी, अब सबका स्टाइल फ्री स्टाइल। वैसे भाई इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी, यही नोकिया फोन को अगर ये बंदा इसके सर पर दे मारता तो फिर। नंबर थ्री, भाई ये कुछ ज्यादा मॉडर्न नहीं हो गया? मतलब अगर मैं ऐसी हेयर स्टाइल के साथ पापा को एक पिक भेजूं तो फिर। नमस्कार, मैं हूं छोटू कुमार और ये हेयर स्टाइल है बहुत ही दमदार, क्योंकि इसके लिए मम्मी मुझसे करती है प्यार और पापा ने जड़े हैं घुसे चार, धन्यवाद। देखो यारो आप मानो या ना मानो, बट इस एड की लिरिक्स आजकल के बहुत से सॉन्ग से कहीं ज्यादा ही बेटर है, और हाँ फनी भी। की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई, पड़ गो नाम शर्मा इनका सोफा, हाय रे शर्मा इनका सोफा, हाय रे शर्मा इनका सोफा।
शर्मा इन बहिन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, बन गो वो मिसरा इनका सोफा, हाय रे मिसरा इनका सोफा, मिसरा इनका लड़का कलेक्टर बने लू, सोफा पे रख जीन चमड़ा चढ़े लू, बन गो कलेक्टर इनका सोफा, हाय रे कलेक्टर इनका सोफा, कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली, सोफा पे बंगाली किरमिट चढ़ेली, बन गो वो बंगालन का सोफा, हाय रे बंगालन का सोफा, बारह घरों का ब्याह निपटाओ, सोफा साठ का होने को आओ, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाहर की शादी, अब कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर सोफा बनाए तो दिल से बनाए। नंबर फाइव। तेरा और करण का ब्रेकअप हो गया? नहीं तो क्यों? मैंने उसको कल नेहा के साथ देखा। किस करके पीना है तो अपनी बोतल खरीदना। बिस्लरी 500, पहले अपनी खरीदो, फिर मुंह से किस करो, फिर शाबाश। बहुत सही, मतलब बहुत ही सही। दीदी की ये चिल्लाने की टेक्निक अगर मुझे पहले पता होती ना, तो पता नहीं यार वो मेरे स्कूल्स में कितने ज्यादा वाटर बॉटल्स बच जाते हैं। दोस्तों ने पूरे स्कूल लाइफ में पानी वाला बनाकर छोड़ दिया था। अच्छा, स्कूल से याद आया, क्या आपने इस व्हाइट बोर्ड की फनी एड को देखा है? What this organization desperately needs is change. Easily erasable. Camlin whiteboard markers. यारो अब मैं मार्केटिंग का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, जो लिटरली आपको हिला देगा। क्या आपको पता है कि सुपरमार्केट में घुसते ही आपको बास्केट क्यों थमा दी जाती है? लगता है मॉल वाले बहुत दरिया दिल हैं, दानव से कम नहीं है। वो बास्केट आपको इसलिए थमा दी जाती है ताकि अगर आप सिर्फ एक चीज भी खरीदने के लिए आए हो तो आप खाली बास्केट के शर्म के मारे और भी चीजें खरीदो। और ये पैसे के लालची लोग चावल दाल आटा जैसे जरूरी चीजों को लास्ट में इसलिए रखते हैं ताकि उस तक पहुंचने के बीच में आप कुछ ना कुछ फालतू चीजें जरूर खरीद लो। और इसलिए एंट्री भी एक तरफ और एग्जिट दूसरे तरफ होती है। बिस्किट्स चॉकलेट जैसे खाने की चीजों को भी नीचे इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चों के हाथ उन पर पहुंच सकें। और गाइस गारंटी आपने किसी भी सुपरमार्केट में किसी भी घड़ी या फिर विंडो को नहीं देखा होगा। जानते हो क्यों? ताकि आपको अपने कीमती समय का पता ही न चले। और बिलिंग काउंटर पर बच्चों को लुभाने वाले चॉकलेट्स एंड टॉयज के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं इस काउंटर पर मैंने कितनी बार रोया है। सो गाइज अगर आप कुछ और हिडन सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो। और अगर ये भी काफी नहीं है तो आपके लिए इस वीडियो का पार्ट वन है, पर यार उससे पहले याद से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।